नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास अभी भी ये पुराना इस तरह से वोटर कार्ड है आपके पास, तो आप नया पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ये सुविधा आप लोगों के लिए शुरू कर रखी है। इस सुविधा को कैसे करके आपको यूज़ करना है, कैसे करके अपना पीवीसी कार्ड अपने घर बैठे मंगवाना है, इसके लिए मैं आज की वीडियो में लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीवीसी वोटर कार्ड को अपने घर बैठे मंगवाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर डालना है वोटर पोर्टल। इस वेबसाइट को आप मोबाइल या अपने लैपटॉप दोनों पे एक्सेस कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन पोर्टल का जो ऐप है वह आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे तो वह सारी प्रक्रियाएँ आप अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पर कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहली ही वेबसाइट हमारे पास voterportal.eci.gov.in खोलकर सामने आ जाती है। इस पोर्टल को आप सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। वोटर पोर्टल पर आपको सबसे पहले अपना एक लॉगिन अकाउंट बनाना होगा। इस अकाउंट को बनाने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या वोटर आईडी कार्ड नंबर किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। यहां पर सिंपली आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी या अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है, जिस पर आपके पास एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाते ही आप इसको वेरीफाई करके अपना लॉगिन अकाउंट सक्सेसफुली बना सकते हैं। पासवर्ड को आप प्रोफाइल में जाकर चेंज कर लीजिए, अपनी चॉइस का जो भी पासवर्ड बनाना चाहें वो पासवर्ड बना लीजिए। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको सीधे सीधे लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड अगर आपकी समझ में नहीं आता तो यहाँ बराबर में आप रिफ्रेश करके आप इसको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, तो आपको जो भी आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पर सही करके भर लीजिए। पोर्टल पर सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप आधार लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वोटर कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर उसको अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। डिलीट ऑफ वोटर आईडी, यदि कोई व्यक्ति पहले कहीं रहता था और वहां से अपना वोट डिलीट करवाना चाहता है, नई जगह बनवाना चाहता है, तो यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। करेक्शन इन वोटर आईडी, यदि आपके पास ऑलरेडी वोटर कार्ड है और उसमें कोई भी एड्रेस या कोई भी जगह उसकी नाम में आप संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप फॉर्म नंबर अपनी चॉइस का भर के आप नया वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप नया वोटर कार्ड भी बना सकते हैं। अब हमें चूंकि पीवीसी वोटर कार्ड मंगाना है तो हम यहाँ पर करेक्शन इन वोटर आईडी पे क्लिक कर लेते हैं ना। देखिए सारा नाम वगैरह जो भी आपका है वो निकल कर आ जाता है। यहाँ पर लेट्स स्टार्ट, आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी नंबर है, उसकी आपको जानकारी है तो यस करिए, नहीं है तो आप नो करिए। नो करते हैं तो आपको वोटर आईडी आपको सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप यदि आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी नंबर है आपके पास, जो कि आपके पुराने वोटर कार्ड पे आपके फोटो के ठीक ऊपर छोटे में लिखा हुआ होगा, मैं आपको इसको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी नंबर डालकर फैच कर लीजिए। यहाँ पर फैच डिटेल पर आपको क्लिक कर और प्रोसीड पर क्लिक कर देना। यहाँ जैसे ही हम अपना फैच डिटेल होती है हमारी, तो हमारे सामने हमारी टोटल वोटर आईडी की डिटेल निकल कर आ जाती है। क्या नाम है उसमें, मेल फीमेल, क्या पहचान पत्र क्रमांक है, भाग संख्या क्या है, मतदाता क्रमांक क्या है, मतदान केंद्र क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ जाती हैं। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, क्योंकि चूंकि हमें कोई करेक्शन तो करना नहीं है, सिर्फ पीवीसी वोटर आईडी मंगाना है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक पोल, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन, या थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपीआईसी विदाउट करेक्शन, हमको कोई करेक्शन नहीं करना है, सिर्फ हमको नया वोटर आईडी कार्ड मंगवाना है, तो हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर से हमारा वेरिफिकेशन करना पड़ता है और हमारा ओटीपी जाएगा। यहाँ पर हम ओटीपी डालकर वैल्यू अब यहाँ पर आपसे वो तीन चीजें पूछता है, रीजन ऑफ अप्लाइंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इफिक कार्ड, आप इफिक कार्ड क्यों मंगवाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप लॉस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको एफआईआर की कॉपी आपको सबमिट करनी होगी, यहाँ पर अटैच करके आपको लगानी होगी। डिस्ट्रॉयड आप यहाँ पर ऑप्शन है, एक म्यूटिलेटेड यानी आपका कार्ड है और आपके पास है लेकिन उसमें कोई खराबी है, मुड़ गया है, फट गया है, तो इस तरह से आप वहाँ पर आप म्यूटिलेटेड पर क्लिक कर दीजिए। यस आई हैव आधार नंबर, यहाँ पर आपके पास अगर आप आधार नंबर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको टिक लगा दीजिए, अपना आधार नंबर भी यहाँ पर आपको डालना होगा। आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर रीजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आई डी, यहाँ वोटर आई डी का क्या रीजन है आपको रिप्लेस करने का, तो आप यहाँ पर पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं कि म्यूटिलेटेड, उसमें आपके थोड़ी सी मुड़ाव या फट गया है वो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे म्यूटिलेटेड ऑफ ओल्ड वोटर आई डी। कोई भी एक वाजिब आप यहाँ पर समस्या को लिखकर डाल सकते हैं। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करते हैं फॉर्म नंबर 8 आपके सामने भरकर आ जाता है और यहाँ पर आपको इस फॉर्म में कोई भी एडिट करना है अगर, तो यहाँ पर आप जाकर एडिट कर सकते हैं एडिट फॉर्म पर। यह सारी चीज़ें सही हैं आपकी तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन धर्मेंद्र, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन रेफरेंस आई डी इज एक्स वाई जेड, ये आपके सामने यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ गया जिससे आप अपने वोटर आई डी के स्टेटस को कभी भी चेक कर सकते हैं। विद इन 7 डेज के अंदर ये बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाता है। यदि इनकेस ये नहीं आता है तो वोटर हेल्पलाइन पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक वोटर आईडी लोगों के यहाँ पर सबमिट करवाए हैं वो सब विद इन 7 डेज के अंदर आ गए हैं, ये मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है। तो इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी खर्चे के अपना वोटर आईडी कार्ड आसानी से पुराने से नए में रिप्लेस कर सकते हैं, नया वोटर आईडी कार्ड अपने घर बैठे बाई पोस्ट मंगवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।